तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेफरल लिंक के बारे में कि अगर आपका सपोज कोई बंदा अंदर है किसी एमएनसी कंपनी में, आपका फ्रेंड जॉब कर रहा है या कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपका कोई फ्रेंड अगर जॉब कर रहा है तो क्या आप रेफरल लगा सकते हो, क्या किसी आप फ्रेंड को रेफर कर सकते हो। दोस्तों मैं बता दूँ, जी हाँ, रेफरल लिंक अगर होता है अंदर कंपनी में तो 100% वर्क करता है। अब यहाँ पे 100% वर्क करने का मतलब क्या है, बस वो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ अगर मैं किसी आईटी प्रोफाइल में वर्किंग हूँ और आईटी प्रोफाइल में अगर मैं वहाँ पे वर्किंग हूँ, कोई मेरा फ्रेंड है, अगर वैकेंसी वहाँ पे आती है और कोई मेरा फ्रेंड है तो मैं उसको रिफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने रिफ़र कर दिया, उसका इंटरव्यू होगा। अगर फॉर सपोज़ दो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू, अगर उनका क्राइटेरिया कि हम उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसने 70% इंटरव्यू निकाल दिया, हम उस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी हुआ क्या, एक आपका फ्रेंड है, एक कोई अननोन पर्सन है, दोनों का इंटरव्यू एक साथ हुआ तो होता क्या कि आपके जो आपका जो अननोन पर्सन है, उसने क्या किया कि उसका इंटरव्यू 80% निकल गया और आपके फ्रेंड का जो इंटरव्यू है वो 70% निकल गया। मतलब 70 और 80, 10% का अगर फ़र्क हो गया तो इसके बाद होता क्या कि आप फिर अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन में बोल सकते हो कि वो मेरा फ्रेंड है, आप उसको ले लो या कुछ और उसकी पॉजिटिविटी बता के वहाँ पे आप उसको अंदर करवा सकते हो या आप उसको आप सेलेक्ट करवा सकते हो उस कंपनी के लिए। यहीं पे 100 बात करूँ कि 100% में 80% उसने निकाल लिया नॉन पर्सन ने, 70% आपके फ्रेंड ने, तो भी आपके फ्रेंड का सिलेक्शन वहाँ पर हो जाता है, तो ये आपका रेफरल लिंक वहाँ पे बन जाता है। अभी मैं बात करूँ कि 80% अननोन पर्सन ने निकाल दिया और आपके फ्रेंड ने 30% या 40% निकाल पाया तो फिर आपका रेफरल लिंक भी वहाँ पे काम नहीं करता। एमएनसी कंपनी में आपका रेफरल लिंक इतनी जल्दी से काम नहीं करता है। आप अपने फ्रेंड को डायरेक्ट उठा के नहीं बैठा सकते, नहीं कि उसने सपोज बीटेक कर लिया और उठा के आप उसको जावा डेवलपिंग की जॉब दिला दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, कई केस में जो इनिशियल जॉब होती हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहाँ पे आप डायरेक्ट करवा सकते हो, जैसे कि डेटा एंट्री टाइप की जॉब हो गई या नॉर्मल बेसिक सपोर्ट की जॉब हो गई। मतलब जो एक इंटर पढ़ा हुआ बंदा या एक BA BSc किया हुआ बंदा अगर वो 15-20 दिन में 1 महीने में सीख सकता है, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आपने डायरेक्ट उस बंदे को उठा के दे दिया तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पे आपका जो रेफर लिंक है वो काम कर जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे एक्चुअली में रेफरल लिंक काम कैसे करता है एक अंदर ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी अगर आपको हार्डवेयर नेटवर्किंग के क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ या PDF चाहिए, नीचे लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो और मैंने वहाँ पे अपना रिज्यूमे भी दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।